हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक इको लेकर आया हूं, या मल्टी इफेक्ट प्रोसेसर बोला जाएगा इसे। ये वो प्रोडक्ट है जो DD3 को, मिडी वर्ब को और REV100 को रिप्लेस कर देगा। इसमें इतने सारे इफेक्ट्स हैं कि आप गिन गिन के थक जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं ये 99 है और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे बना हुआ है। तो इंडियन सारे सॉन्ग्स को गाने का जो इको और रिवर्ब लगता है उसका कलेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी है। प्लस ये कुछ लॉन्ग डिले वाले भी इको आपको देगा जो सीरियल्स में यूज होते हैं, जैसे माँ मुझे बचा लो और वगैरह वगैरह टाइप के जो सीन्स रिपीट होते हैं वो इस इको के थ्रू किए जा सकते हैं। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको लेडीज के आवाज के गाने में मजबूर कर देगा या जेंट्स के आवाज को लेडीज में कन्वर्ट कर देगा, ये भी इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है। इन सारे फीचर्स को मैं आपको लाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं एक प्रोडक्ट में, वो है ये हमारा 99DSP प्रोडक्ट। अभी क्या है कैसा है मैं आपको आगे बता रहा हूं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं, ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इस इको की कंपनी है नामिब और ये 99 इफेक्ट्स वाला है। ये कैसा है क्या है अनबॉक्सिंग के बाद आपको मैं दिखाता हूं और इसके सारे फीचर्स समझाता हूं, लेकिन इसका टेंटेटिव प्राइसिंग मैं आपको बताता हूं। ये कंपटीशन को देखते हुए कुछ ऐसी प्राइसिंग में है कि आपको भी सुन के मजा आ जाएगा। ये लगभग 7000 के राउंड आपको मिल जाता है, जिस प्राइसिंग में आज DD3 नहीं मिल रहा है उस प्राइसिंग में आपको ये मिल जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। ये पैकेज जब कंपनी से आया था तो कुछ इस टाइप से हमें आया था। इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं और देखते हैं कि क्या कंपनी ने अद्भुत सा प्रोडक्ट भेजा है, वाकई ये अद्भुत है या नहीं है, देखते हैं। सो गाइस, ये है हमारा 99DSP मल्टी इफेक्ट प्रोसेसर जिसमें 99 टाइप के इकोज और डिलेज डाल रखे हैं। ये प्रोडक्ट रिप्लेस करेगा DD3 को और DD7 को जो कि मल्टी इफेक्ट प्रोसेसर्स हैं, लेकिन ये डिजिटल इंटरफेस वाला है। इसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माइक्रोफोन के सॉकेट दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल नॉब दिए गए 4, बेस ट्रबल दिया गया है, ट्रबल और ये बेस दिया गया है। और उसके बाद ये जो बटन है ये DSP सेट करने के लिए, DSP का इम्पैक्ट कितना चाहिए, कितना इसका डेप्थ चाहिए उसके लिए। यहाँ से आप लोग इसका डिस्प्ले देख सकते हैं, इस पर आपको नंबर्स दिखाई आएंगे कि कौन से नंबर का इफेक्ट आपने ऑन कर रखा है। ये पैरामीटर का बटन है, पैरामीटर सेट करने के लिए, डेप्थ सेट करने के लिए। ये बटन है जो कि रोटरी बटन है, क्लिक बटन, इसे घुमाने और क्लिक करने से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा कौन सा नंबर आपको चाहिए। बहुत सारे नंबर के इको यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे है और कंपनी ने अपना ब्रांडिंग ऊपर कर रखा है। इसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 4 टाइप के सॉकेट्स दिए गए हैं इसमें, ऑक्सिलरी इनपुट आउटपुट, और उसके बाद इसमें रिटर्न का सॉकेट है, और लास्ट जो सॉकेट है हमारा फुट स्विच का है। ये यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी DC के लिए दिया गया है और कंपनी ने पीछे ब्रांडिंग मेन्स कॉर्ड दे रखा है। इसे ऑन ऑफ करने के लिए हमें पहले इसे यहाँ रखना होगा और इसे पहले कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ। ये हमारा है आउटपुट केबल जो कि हमने एम्पलीफायर में ऑलरेडी लगा रखा है, ये हम लोग 1 या 2 किसी में भी लगा सकते हैं।
उसके बाद मैं अपना केबल ले लेता हूँ जो माइक्रोफोन के साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है अपना। ये आप डायरेक्टली इसमें भी लगा सकते हैं, आप मिक्सर के थ्रू भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे नंबर वन में लगा देता हूँ। ये इनपुट सेक्शन है, इसमें मैं अपना सेनाइजर का एक्सेस वन माइक यूज़ करने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छा माइक है। मैं प्लग इन कर लेता हूँ इसे और अब करते हैं इसे ऑन। आप लोग देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। एम्पलीफायर मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से और अब इसे विदाउट इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक इसमें कोई भी इफेक्ट ऑन नहीं किया है और पैरामीटर और डीएसपी भी मैं कम रख देता हूँ, सिर्फ इसका वॉल्यूम खोल रहा हूँ मैं। हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो, यहाँ से आप लोग सुन सकते हैं, मैं वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो, ये आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, ये विदाउट एनी इफेक्ट है। अब मैं इफेक्ट के लिए पहले नंबर वन से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैंने नंबर वन पे इसे रख दिया है। अब मैं इसका पैरामीटर सेट करूँगा। अभी तक कोई इफेक्ट नहीं लगा है लेकिन अब इस पे इफेक्ट लगने वाला है। डीएसपी मैंने थोड़ा खोल दिया है और पैरामीटर भी मैंने खोल दिया है, तो यहाँ से आप लोग एक इफेक्ट सुन सकते हैं जो मेरी वॉइस के साथ आ रही है। ये होता है हॉल इफेक्ट। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, 1 2 3 4, ये हॉल इफेक्ट है। ये एक मिनिएचर हॉल के हिसाब से होता है। अगर मैं इसमें आगे की बात करूं तो मैं इसको यहां से मैं सेट कर देता हूं, मैं इसे 6 नंबर पे लेके जाता हूं और वही डीएसपी मेरा ऑन है और यहां से पैरामीटर भी आधा सेट है। ये इंडोर हॉल इफेक्ट होता है, इंडोर में अगर आप हॉल इफेक्ट देना चाहते हैं तो। हेलो माइक टेस्ट, हेलो टेस्टिंग, 1 2 3 4, ये टेस्टिंग आप जो सुन रहे हैं ये वॉल्यूम, ये इंडोर का हॉल जैसा होता है उस टाइप का आपको इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद इसका पैरामीटर अगर मैं सेट करूंगा यहाँ से, तो पैरामीटर के थ्रू आप लोग इसकी डेप्थ घटते और बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये मैंने इसकी डेप्थ कम कर दी है। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, अब ये डेप्थ बढ़ गई है। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, डेप्थ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 15 नंबर का इको सेट करता हूं। ये 15 नंबर का जो इको है ये रिवर्ब के साथ है, ये सिंगिंग के लिए स्पेशल माना जाता है। हेलो माइक चेक, हेलो टेस्टिंग, 1 2 3 4, इस पे आप किसी भी टाइप का सॉन्ग गा सकते हैं या इसे रियाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये इको रिवर्ब वाला होता है। इसमें जो रिवर्ब होता है वो जैसा जैसा आप इसके नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे वैसा वैसा इसका रिवर्ब में जो डेप्थ बढ़ता जाएगा। जैसे मैं इस पे 19 नंबर पे आ जाता हूँ। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, आप लोग देख सकते हैं कि रिवर्ब इसमें बढ़ चुका है, डेप्थ इसका बढ़ चुका है। आप इस पे और भी अच्छे से रियाज कर सकते हैं। लंबे स्वर वाले जो गाने होते हैं वो इन्हीं पे गाए जाते हैं। मैं शायद तो नहीं, लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं सेट करता हूं इस पे 23 नंबर का इको। 23 नंबर का जो इको है ये इको प्लस रिवर्ब दिया गया है। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, आप लोग देख सकते हैं कि रिवर्ब के साथ इसमें पीछे पीछे इको भी दौड़ता हुआ आपको सुनाई आ रहा है। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, ये इको जो है या ये इफेक्ट जो है ये DD3 इफेक्ट होता है। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, हेलो टेस्टिंग, 1 2 3 4, DD3 यूज करने की जगह आप ये वाला इको इस वाले डीएसपी में यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 29 नंबर। 29 नंबर जो है इसमें आपका इको प्लस रिवर्ब है लेकिन इसका डिले टाइमिंग इंक्रीज हो गया, डिले का जो टाइम है ये इंक्रीज हो गया। हेलो 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 टेस्टिंग, ये इको के साथ जो डिले अटैच होता है उसका टाइमिंग लंबा हो गया है, वो ज्यादा टाइम इंटरवल तक ट्रैवल कर रहा है। हेलो हेलो टेस्टिंग, 1
1, 2, 3, 4. इसके बाद है 36 नंबर गायको, 36 नंबर के इको के लिए आपको यहां से ये बटन ऑफ करना होता है। ये बटन ऑफ करेंगे तो ही आपको पिंग पोंग वाला इको मिल सकता है। हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो टेस्टिंग, 1, 2, 3। ये पिंग पोंग इफेक्ट है। अगर आप बटन को अंदर दबा देंगे तो आपको DD3 वाला इफेक्ट मिलेगा, अगर आपका बटन बाहर रहेगा तो आपको पिंग पोंग वाला इफेक्ट मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा 70 नंबर पे। 70 नंबर जो है आपका एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वाला इको आप बोल सकते हैं। ये मेल वॉइस वाला इको है, यानी कि अगर आप फीमेल हैं और आप मेल वॉइस में गाना गाना चाहते हैं तो आपका ये इको काम का है। इसमें रिवर्ब दिया गया है, मैं आपको बिना पैरामीटर सेट किए से बोल के बताता हूँ। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, ये रिवर्ब वाला, लेकिन ये मेरी वॉइस कैप्चर कर रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ टू मेल वॉइस, जो कि एक्चुअली है, लेकिन अगर फीमेल की वॉइस को मेल में कन्वर्ट करा जाए तो इसके लिए आपको पैरामीटर उठाना होगा। हेलो माय टेस्ट, हेलो, अब आप देख सकते हैं कि डेप्थ यानी कि आवाज काफी भारी हो चुकी है। अब ये आवाज एवेंजर्स के थानोस जैसी लग रही है। हेलो माय टेस्ट, 1, 2, 3, 4। ये लेडीज के आवाज को मेल आवाज में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली अगर आप इसमें 72 नंबर का इको लेते हैं तो इसमें रिवर्ब काफी अच्छा है। अगर नॉर्मल सिंगिंग करना चाहते हैं तो ये इको आपके लिए बढ़िया रहेगा। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, ये रिवर्ब था। अब इसमें ट्विस्ट है कहानी में। 73 नंबर मैं इधर से सेट करता हूं। 73 नंबर जो है ये मेल वॉइस को फीमेल वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। अभी ये मैंने पैरामीटर इसका 0 रखा है। हेलो माइक टेस्ट, हेलो, लेकिन जैसे ही मैं पैरामीटर को खोलता हूँ और 15 तक लेके जाता हूँ, या मे भी देखिए 15 तक मैं लेके आया हूँ। हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो, ये वॉइस को कन्वर्ट करता है टू लेडीज वॉइस, विच इज अ गुड एस्पेक्ट। अगर आप लोग इसके अलावा नॉर्मल इफेक्ट वाले इकोज लेना चाहते हैं जो कि इसमें 80 नंबर के बाद दिए गए हैं, तो ये आप लोग चूज कर सकते हैं। हेलो माय टेस्ट, हेलो हेलो, ये नॉर्मल इको हुआ। इसमें आप इको का डिले कितना बढ़ाना चाहते हैं वो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। हेलो माय टेस्ट, हेलो हेलो, ये पैरामीटर कम कर दिया मैंने, ये पैरामीटर खोल देते हैं। हेलो माय चेक, हेलो, अब इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग जैसे 82 नंबर पे चले गए, तो आप अब देखिए डेप्थ कितना आता है। हेलो माइक चेक, हेलो, ये लॉन्ग डिले होता है। ये लॉन्ग डिले बहुत मुश्किल से अटेंड होता है, और मैं आपको बताऊं इसमें 88 नंबर पे जाते हैं हम लोग। इसमें लगभग ये पूरा सेंटेंस रिपीट कर देगा। सेंटेंस क्या बोला जाए, कल रात यहाँ बारिश आई थी, कल रात यहाँ बारिश आई थी। इसमें बटन दबाने से DD3 इफेक्ट हो जाता है। कल रात यहाँ बारिश आई थी, तो ये सारे इफेक्ट्स इसमें हैं। इसके अलावा लॉन्ग डिले में आप अगर जाना चाहते हैं तो 90 नंबर के बाद आपको और भी ज्यादा लॉन्ग डिलेज देखने को मिलते हैं। हेलो 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 हेलो, इसमें मैं आपको 96 नंबर पे लेके चलता हूँ ताकि आप लोग देखिए कितना लॉन्ग डिले तक ये जा सकता है।
किसी व्यक्ति ने कार वहां पार्क कर दी 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 किसी व्यक्ति ने कार वहां पार्क यानी आप बोले ना बोले 27 बार तो ये बोल ही देगा। इसमें इतना लॉन्ग तक दिया गया है और ये लॉन्ग इफेक्ट 90 से लेके 99 तक दिए गए हैं, मतलब आप इसे उतनी बार तक रिपीट कर पाएंगे। अब मैंने इसका पैरामीटर खोल रखा है ज्यादा, तो उतना इफेक्ट आपको मिलने वाला है। एक और सेंटेंस हो जाए, आज के दिन बारिश हुई है, 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 आज के दिन बारिश हुई है। यानी आप लोग देख सकते हैं ये वो सीरियल में यूज होने वाले इकोज हैं जो कि डायलॉग को रिपीट करते करते सास बहू को ये झगड़े करवा देते हैं, लाइक दैट। तो वो भी इफेक्ट आपको इसमें मिलते हैं। तो चलिए अब इसका लाइव डेमो लेते हैं, एक दो सॉन्ग्स बजा के देखते हैं। आइए जो कभी
तो कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोडक्ट? देखिए, इसमें 99 डीएसपी में ये तो मैं समझता हूँ कि सारे आप यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग किसी भी कस्टमर को जब ये देते हैं तो ये दो या तीन टाइप के इकोज इसमें यूज़ करते हैं, जो उन्हें भा जाता है या जो वो रेगुलरली चलाते हैं, लेकिन सारे यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको बस ये करना होता है, जब आप इस टाइप का कोई इक्विपमेंट लेते हैं ना, तो अपना वाला टाइप ऑफ इको आपको सेट करना होता है या चूज़ करना होता है। अब जैसे मैंने आपको बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो तो बता दिए हैं सारे नंबर्स, उनमें से आपको आगे पीछे करके कोई चूज़ करना होता है आपको किस टाइप का इको चाहिए। हाँ, बात करूँ मैं इसकी, तो इसमें इकोज बहुत अच्छे रहे, मतलब वाकई ये उस लेवल का है जो मिडी वर्ब और DD3 वगैरह को चैलेंज कर सके, उस लेवल का प्रोडक्ट है। लेकिन मेक इन इंडिया है तो इसको अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा, नो डाउट। और दूसरा फीचर ये था कि जब ये कन्वर्ट करता है फ्रॉम जेंट्स टू लेडीज़ या लेडीज़ टू जेंट्स, इसको अपना ऑडियो क्वालिटी थोड़ा एनहांस करना होगा, उसे इम्प्रूव करना होगा। आजकल क्या है, हम लोग AI की जनरेशन में रहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसमें आप लोग आवाज़ का कन्वर्जन देख सकते हैं जो PCs के थ्रू होता है, उसमें आपको बिल्कुल एक ऑटो ट्यून मिल जाता है जिससे मड़ी सड़ी गली सी भी आवाज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। इसमें वो फीचर अभी भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होना बाकी है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा इको आपको देखने को मिलता है इस बजट रेंज में, और इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, प्राइसिंग भी अच्छा है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, अच्छी लगने पे लाइक कीजिएगा, और मैं आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।